दोस्तों सत्ता को सत्य मत समझिए, क्योंकि सत्य ही सत्ता है। नमस्कार, मैं हूं सुरेश कुमार और तिरछी बात चैनल में आपका स्वागत है। साथियों, शाम के 8 बज चुके हैं और जैसा कि आपको मालूम है, शाम को 8 बजे मैं लेकर आता हूं आपके समक्ष लोकल इलाकों की खबरें, यानी कि जोरदार खबरों का प्रोग्राम मैं आपके समक्ष लेकर आता हूं, जिसमें आपके आस पड़ोस की खबरें आपको सुनने को यहां पर मिलती हैं। तो चलिए साथियों, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली खबर है, होडल मुंडकटी थाना पुलिस ने नकली पुलिस बनकर लोगों के साथ ठगी करने वाले व्यक्ति को किया गिरफ्तार। मर्रौली गांव के व्यक्ति से उसने पैसों की डिमांड की थी और उसे पलवल के आगरा चौक से गिरफ्तार कर लिया गया है और अब रिमांड पर है। साथियों, ये व्यक्ति अपने आप को CIA का व्यक्ति बताता था कि CIA में लगा हुआ हूँ मैं, और इसका नाम है अखिलेश सनोप मथुरा प्रसाद और गाँव है बागपुर, जो कि चांट थाने के अंतर्गत आता है। तो साथियों, ऐसी घटनाएं बहुत ज़्यादा समाज के अंदर हो जाती हैं। कई बार कुछ लोग भेष बदलकर, ये एक तरह से कह सकते हैं बहरूपिया बनकर लोगों को ठगते हैं, यानी कि लोगों के साथ ठगी करते हैं। तो ऐसे लोगों से सावधान रहना चाहिए, बचकर रहना चाहिए और ऐसे लोगों की जाँच पड़ताल पूरी तरह से कर लेनी चाहिए, जिस भी इंसान के ऊपर आपको थोड़ा सा भी वहम हो या थोड़ा सा भी शक हो, तभी आगे की कार्यवाही आपको करनी चाहिए उसके साथ। अगली खबर है, होडल में 2 महीने से वृद्ध पेंशन न मिलने को लेकर पूर्व पार्षदों ने होडल SDM को दिया ज्ञापन। पिछले 2 महीने से 50% वृद्धों की पेंशन नहीं आ रही है और इसी विषय में जो पूर्व पार्षद हैं उन्होंने होडल SDM को ज्ञापन दिया है कि भाई हमारी पेंशन को लाया जाए और हम परेशान हो रहे हैं, 2 महीने से हमारी पेंशन नहीं आई है। वृद्धावस्था की जो पेंशन होती है उसके बारे में ज्ञापन दिया गया है पूर्व पार्षदों के द्वारा होडल के अंदर। अगली खबर है, होडल में रोहता पट्टी के लोगों ने सड़क बनवाने को लेकर SDM को दिया ज्ञापन। रोहता पट्टी से पुराना मोड़ तक की सड़क बहुत खराब है, कागजों में 15 साल पहले उसको पूरा बना दिया गया था, यह दिखाया जा रहा है। यानी कि रोहता पट्टी से जो पुराना मोड़ तक जो सड़क जाती है उसकी हालत जर्जर है, और जब लोगों ने ये ध्यान दिया कि भाई ये सड़क बनवाई ही नहीं है अभी तक भी, तो लोगों ने जब ढूंढ खकोर मचाई तो कागज़ों में मिला कि इस सड़क को पिछले 15 साल पहले पूरी तरह से अच्छी तरह से बना दिया गया था। जबकि लोगों का कहना ये है कि ये सड़क पिछली बार जब बनी थी तो इसको पूरी तरह से नहीं बनाया गया था, अधूरा ही छोड़ दिया गया था। तो यह किसको दर्शाता है? यह आपके अधिकारियों की, कर्मचारियों की नाफरमानी को दर्शाता है, इस तरह के जो कृत्य मिलते हैं। क्योंकि सभी लोग अगर अपना काम, अपनी ड्यूटी पूर्ण रूप से करेंगे तो ऐसे कांड देखने को नहीं मिलेंगे, लेकिन जब कर्मचारी और जो हमारे नेता होते हैं, मंत्री होते हैं, वो अपना फर्ज नहीं निभाते हैं तो ऐसे कांड देखने को ज़्यादातर मिलते हैं। और जनता बहुत ही परेशान है इस सड़क को लेकर, तो इसकी तरफ ध्यान दिया जाना चाहिए और जनता ने SDM को भी ज्ञापन सौंपा है इस विषय के ऊपर। अगली खबर है, होडल मुंडकटी थाना पुलिस ने मुजेसर निवासी निशा के बयान पर ससुराल डकोरा के 3 लोगों के खिलाफ दहेज प्रताड़ना का किया है मामला दर्ज। इस लड़की ने मामला दर्ज करवाया है होडल मुंडकटी थाना में कि इसके जो ससुरालियां हैं वो उससे दहेज मांग रहे हैं। उन्होंने मोटर बाइक यानी मोटरसाइकिल की भी डिमांड की है और दहेज मांगने के लिए भी कहा है, यानी कि दहेज के लिए उसे परेशान कर रहे हैं। अगली खबर है, करनाल में किसानों पर हुए बर्बरतापूर्ण लाठीचार्ज को पूर्व विधायक होडल उदयभान ने की निंदा और कहा सरकार हुई है निर्दयी। यानी कि सरकार ने जो लाठीचार्ज किया था किसानों के ऊपर, इस बात को लेकर जो विधायक उदयभान जी हैं उन्होंने सरकार पर रोष जताया है और कहा है कि सरकार निर्दयी हो चुकी है, सरकार किसानों के ऊपर लाठीचार्ज कर रही है, तो सरकार पूरी तरह से निर्दयी हो चुकी है। अगली खबर है, पलवल बाली नगर पुराने पटवार घर के पीछे घर में घुसकर चोरी करने के मामले में पुलिस ने चोर को मौके पर ले जाकर जांच की। साथियों, पटवार घर बाली नगर पुराने पटवार घर के पीछे घर में घुसकर चोर ने चोरी की और फिर पुलिस के हत्थे चढ़ गया। लोगों ने बता दिया कि घर के अंदर चोर है, पुलिस उसको पकड़ ले गई। उसके बाद पुलिस उस चोर को वापस लेकर आती है और वहाँ पर जो फुटप्रिंट होते हैं, यानी कि कैसे कैसे चोरी की है और किस तरह से आपने चोरी की है इस घर के अंदर, तो उस चीज़ को देखरेख करने के लिए चोर को वापस उसी घर में लेकर आई। चोरी की वारदातें बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही हैं और चोरी का मेन कारण ये भी होता है कि देश के अंदर जो बेरोज़गारी फैली हुई है, बेरोज़गारी भी एक मुख्य कारण होता है चोरी होने का, डकैती होने का। क्योंकि देश के अंदर अगर सभी युवाओं को और सभी लोगों को
रोजगार मिल जाएंगे तो कौन ऐसा इतना पागल है जो चोरी करने के लिए दूसरों के घरों में जाएगा, पुलिस के डंडे खाएगा। तो मैं सरकार से गुजारिश यही करना चाहता हूँ कि रोजगार की तरफ ध्यान दें, लोगों को रोजगार जितना मिलेगा तो देश के अंदर क्राइम भी कम से कम होंगे। अगली खबर है, पलवल कुशलीपुर के मुख्य मार्ग पर सीवर डालने के बाद टूटी सड़कों को फिर से बनाने के लिए स्थानीय लोगों ने प्रशासन से की मांग। यानी कि यहां पे सीवर लाइन को डाला गया था और अभी तक इन सड़कों का निर्माण नहीं किया गया है। वहां पर बारिश होने के बाद कीचड़ मच जाता है और लोगों ने अपील की है सरकार से कि इन सड़कों का निर्माण किया जाए दोबारा से अच्छी तरह से। साथियों, यही हाल हमारे गांव सौंध के अंदर भी है। यहां पे भी सीवर लाइन को दबाया गया और सीवर लाइन दबाने के बाद जहां जिन रास्तों से सीवर लाइन को दबाया गया है उन रास्तों में बहुत ही बुरा हाल है, कीचड़ का, वहां से निकलना भी दूभर हो जाता है और जैसे ही बारिश वगैरह होती है तो वहां पर पैर रखना भी मुश्किल हो जाता है इस सीवर लाइन की वजह से। सीवर लाइन के फायदे तो जब दिखेंगे, लेकिन फिलहाल कम से कम 4 और 5 साल के लिए हमारा गांव सौंध गड्ढे में जा चुका है, क्योंकि सारे रास्ते खराब कर दिए जाएंगे, निकलना मुश्किल हो जाएगा। और जिस दिन ये सीवर लाइन गांव के अंदर प्रवेश करेगी उस दिन तो लोग एक दूसरे के घर जाने में भी तरसने लगेंगे, यानी कि पड़ोसियों के घर जाना भी बड़ी मुश्किल हो जाएगा और फिर इतना ही बुरा हाल गाँव के भीतर वाले रास्तों में भी होने वाला है जो फिलहाल फिरकी में बुरा हाल बना हुआ है। तो सीवर लाइन का फ़ायदा तो कोई ज़्यादा दिखता नहीं है, नुकसान ही नुकसान ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। अगली खबर है, पलवल असावटा मोड़ पर पैदल सड़क पार कर रहे व्यक्ति को बाइक ने मारी टक्कर और व्यक्ति की हुई मौत। साथियों, सड़क पार करने में व्यक्ति को बाइक वाले ने टक्कर मार दी, फिर उसको आस पड़ोस के लोग उठाकर हॉस्पिटल ले गए और हॉस्पिटल में जैसे ही वो ले जाकर डॉक्टर को दिखाते हैं तो डॉक्टर ने उस व्यक्ति को मृत घोषित कर दिया। यह घटना है पलवल की असावटा मोड़ की। अगली खबर है, पलवल हुड्डा सेक्टर 2 के चौक पर पुरानी रंजिश के चलते एक युवक पर 2 गाड़ियों में भरकर आए लोगों ने किया हमला और इलाज के लिए इसको अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इसके घर वालों ने बताया है कि दो गाड़ियों में लोग भरकर आए थे और इसके ऊपर हमला किया है और पुरानी रंजिश को वो लोग बता रहे हैं कि पुरानी रंजिश चल रही थी जिसके ज़रिए इन लोगों ने इसके ऊपर हमला किया है। तो दोस्तों, पुरानी रंजिश भी बहुत खतरनाक हो जाती है, कई बार जान भी चली जाती है लोगों की। तो किसी से रंजिश ना रखें, सभी से प्यार से मिलजुल कर रहें, अपने कार्यों को अच्छी तरह से करें। अगली खबर है, होडल आदर्श कॉलोनी घर में हुई 3.5 तोले सोने की चोरी में पुलिस ने दूसरे आरोपी को किया गिरफ्तार, मेडिकल जांच हेतु GH अस्पताल में लाया गया। साथियों, इस चोर ने उस सोने को चुरा कर मुथूट फाइनेंस में लोन के लिए भी रख दिया था, यानी कि इससे लोन ले लिया, चोरी की पहले तो 3 तोले सोने की, फिर उसको मुथूट फाइनेंस में ले जाकर उससे लोन ले लिया और फिर बाद में पता चला जब पुलिस ने ढूंढा खकोरी मचाई है तो इस चोर को पकड़ लिया गया है और मुथूट फाइनेंस में जाके इससे 3 तोला सोना वापस ले लिया गया है। अगली खबर है, पलवल नेशनल हाईवे 19 पर कैंप थाना के समीप ट्रक ने गाड़ी में मारी टक्कर, परिवार बाल बाल बचा। तो साथियों, मैं यहाँ पे यही गुजारिश करना चाहता हूँ कि बड़ा वाहन है आपके पास या छोटा वाहन है, थोड़ा सा सावधानी से चलें और आगे पीछे देखकर ही रास्ते को क्रॉस करें, क्योंकि किसी की भी जान इतनी सस्ती नहीं होती है, हर एक जान बहुत कीमती होती है। जब आप किसी को जान दे नहीं सकते, किसी को जीवन दान दे नहीं सकते तो किसी का जीवन लेने का भी आपका अधिकार नहीं है। तो यहाँ पे ये जो गाड़ी वाले हैं बाल बाल बचे हैं ट्रक की टक्कर से, थोड़ी बहुत इसमें चोट आई है। अगली खबर है, इनायतपुर में व्यक्ति ने शराब के नशे में पत्नी के साथ की मारपीट, रोज मारपीट करता है और पत्नी ने बताया है कि कुछ दिन पहले तो उसके जेठ ने भी उसके साथ मारपीट की थी। शराब इतनी बुरी चीज़ होती है, बहुत सारे लोग दिन भर कमाते हैं और शाम को उन पैसों की शराब पी जाते हैं, तो ये हमारे स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक होती है और हमारे परिवार को तोड़ने में भी इसकी अहम भूमिका निभाती है शराब। तो शराब से जितना हो सके उतना बचें, दूर रहें। अगर आप थोड़ा बहुत भी कमाते हो और शाम को उसकी शराब पी जाते हो तो ये बहुत ही गलत है, आपके स्वास्थ्य के लिए भी, आपके परिवार के लिए भी, क्योंकि पारिवारिक रिश्ते जब टूट जाते हैं तो फिर दोबारा से वो बनते नहीं हैं, क्योंकि टूटने के बाद गठगठीली हो जाती है हर चीज़। तो शराब का सेवन ज़्यादा ना करें और अपने परिवार को चलाएँ, अपने शरीर को स्वस्थ रखें। अगली खबर है, पलवल मीसा गाँव में पैसे के लेन देन को लेकर सुकन पत्नी सुंदर सिंह के साथ झगड़ा, स्कूटी की टक्कर मारकर महिला को गिराया और 10 लाख रुपए थे उस आदमी पर, इस महिला के।
साथियों किस्सा ये है कि इस महिला से किसी ने 10 लाख रुपए लिए थे और ये महिला उससे जब पैसे मांगती थी तो वो दूर भाग जाता था। इसी तरह से वो सामने से आ रहा था जो कर्जमान था और महिला रास्ते में जा रही थी, तो महिला ने उसकी स्कूटी को रुकवाया और पैसे के लिए उससे तगादा किया, तो उसने स्कूटी को ही महिला के ऊपर चढ़ा दिया और महिला को कर दिया घायल। महिला का नाम बताया जा रहा है सुकन, और जो कि पत्नी है सुंदर सिंह की, मीसा गांव की ये घटना है। तो वह अस्पताल के अंदर फिलहाल वो महिला भर्ती है। तो यानी कि किसी का कर्जा लेकर और फिर उसे देना नहीं और उसके फिर उल्टे सीधे काम करना, ये गलत बात है। किसी का कर्जा लिया है तो उसको समय पर देना चाहिए, जिससे कि आपकी आगे छवि बने, आपको आगे भी किसी से कोई मदद की ज़रूरत पड़े तो आपको आगे भी मदद मिल सके। अगली खबर है, हतीन मलाई गांव से 4 दिन पूर्व गायब हुए व्यक्ति का शव कुएं में लटका मिला, कुएं से किया गया बरामद। पुलिस शव को पोस्टमार्टम के लिए GH अस्पताल लेकर गई है। हतीन में गांव मलाई से 4 दिन से वह व्यक्ति गायब था और उसका शव कुएं में लटका हुआ यानी कि कुएं में पड़ा हुआ मिला है, जिसकी मौत हो गई है। पुलिस उस शव को पोस्टमार्टम के लिए GH अस्पताल में ले गई है। कोई झगड़ा होगा घर का या फिर कोई विवाद होगा आपसी या फिर कोई परेशानी होगी, तभी उस भाई ने अपनी जान दी है। तो दोस्तों ये थी आज की कुछ खबरें और मैं उम्मीद करूँगा आपको ये खबरें अच्छी लगती होंगी। ये खबरें मैं यहाँ पर आपके आस पड़ोस के वातावरण से आपको रूबरू करवाने के लिए आपके समक्ष लेकर आता हूँ, जिससे कि आपको आपके आस पड़ोस के वातावरण के बारे में जानकारी मिले, क्योंकि नेशनल लेवल और इंटरनेशनल लेवल की खबरें तो आपको टेलीविज़न के ऊपर मिल जाएंगी, लेकिन आपको आपके लोकल इलाके की खबरें कहीं भी नहीं मिलती हैं। इसीलिए इसी चीज़ को मैं पूरा करते हुए आपके लोकल इलाके की खबरें आपके समक्ष इकट्ठा करके लाता हूँ, जिससे कि आपके आस पड़ोस के वातावरण से रूबरू हो जाएं। तो यह था आज का प्रोग्राम, मैं उम्मीद करूँगा आपको यह प्रोग्राम पसंद आता होगा और नेक्स्ट वीडियो में कल फिर लेकर आऊँगा आपके समक्ष शाम 8 बजे ज़ोरदार खबरों का प्रोग्राम। तब तक आप अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।